दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में बीती रात को घर के सभी कंटेस्टेंट के बीच में रासनिंग को लेकर काफी जबरदस्त झगड़े हुए थे। आपको बता दें कि इन दिनों बिना किसी रासनिंग के चलते घर के अंदर किसी न किसी चीज की आए दिन कमी हो जाती है। कभी किसी के अंडे कम पड़ जाते हैं तो कभी घर के अंदर बेसन कम पड़ जाता है। यहाँ तक कि अब तो सब्जियां और फ्रूट्स भी घर के सभी कंटेस्टेंट में बराबरी से नहीं बंट पा रही है, जिसके चलते घर वालों के बीच में काफी बुरी झगड़ा हुआ था। और इस झगड़े के दौरान तेजस्वी भी काफी ज्यादा भड़क गई थी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिन जब घर के अंदर टास्क चल रहा था तो उस दौरान किसी ने तेजस्वी के पर्सनल सामान में डाका डाल के उनकी कॉफी को चुरा लिया था। और इस बात से तेजस्वी काफी नाराज थी, जिसके चलते रात को तेजस्वी ने भी घर के अंदर काफी जबरदस्त तरीके से हंगामा खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों घर का कोई भी कंटेस्टेंट ये मानने को तैयार नहीं था कि तेजस्वी की कॉफी किसने चुराई है। इस दौरान दोस्तों उमर रियाज ने भी कह दिया कि आपके पास जो निजी सामान खुद का पड़ा है छिपा के रखा हुआ, उसको सबके सामने ले आइए और सबके साथ में शेयर कर लीजिए। हालांकि पहले तो तेजस्वी ने काफी देर तक मना किया और कहा कि वो हमने टास्क के दौरान जीत कर लेके आए हैं, वो सामान हम सभी घर वालों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बाद में जय भानुशाली ने कह दिया कि चलो अभी जिसके पास जो सामान पड़ा है उसको अपने तरीके से खा लो, यानी कि सबके साथ शेयर कर लो। लेकिन आगे से जिस कंटेस्टेंट को जो सामान मिलेगा, यानी कि जो टास्क के दौरान अपना निजी सामान जीतता है खाने पीने का, वो खुद के अलावा वो सामान किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। इस बात पर दोस्तों तेजस्वी भी सहमत हो गई और कहा कि चलो ठीक है, मैं भी अपना सारा सामान अभी दे देती हूँ सबके लिए, लेकिन आगे से आप भी इसी बात का ध्यान रखोगे कि जब मैं जीतूंगी फिर मैं किसी के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली। इस प्रकार दोस्तों लगभग 2 से 2.5 घंटे तक झगड़ने के बाद में कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकला कि आगे से जो भी कंटेस्टेंट अपना पर्सनल खाने पीने का सामान जीत कर हासिल करेगा, वो खुद के अलावा उस सामान को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकेगा। फिलहाल दोस्तों इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस की ऐसी ही चटपटी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।